हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। माय सेल्फ दिनेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीजी स्पेशल। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से मैं लेके आया हूँ आपके साथ में। वो टॉपिक है कि सलाह लें। सलाह दो टाइप के लोग हैं मार्केट के अंदर। एक आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं आपका सीनियर, दूसरा मार्केट के लोग। सेकेंड वाले की बात करेंगे सबसे पहले। सेकेंड वाले से सलाह लोगे तो क्या होगा, जिस प्रकार आपको कोई धंधे में गए हो और उस धंधे का नॉलेज नहीं है, सेम उसी प्रकार से वही लोग हैं मार्केट के लोग, जिन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं होगा, जिन्होंने कभी कोई कॉन्सेप्ट किया नहीं होगा, और वो आपको सलाह दे सकते हैं। अच्छा, सलाह किस टाइप की हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको नेगेटिव सलाह भी दे सकते हैं, आपको पॉजिटिव सलाह भी दे सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास आप बिजनेस लेके जाओगे तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत कर लिए हैं भाई साहब, और ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत देखे हैं, बहुत मैंने कर लिए हैं। तो एक वो सलाह होती है नेगेटिव सलाह। दोस्तों, वो उस आदमी ने पता नहीं काम किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन आपको फ्री में सलाह दे रहा है। वो सलाह फ्री में दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सलाह बिल्कुल गलत है। एक, आप उस बिजनेस करने वाले इंसान के पास जाते हैं जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है, जिस भी अपॉर्चुनिटी में आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ भी ज्वाइन किया है, अगर उससे राइट सलाह लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस होने का चांस ज्यादा है। ऐसी कोई भी स्थिति में आपको अपने ऊपर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि सलाह किससे लेनी चाहिए आपको। क्या बाहर वाले लोगों से लेनी चाहिए या फिर बिजनेस करने वाले लोगों से लेनी चाहिए। दोस्तों, जिस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग सफल हैं, जिन लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया है, जो लोग अपने ड्रीम पूरे कर चुके हैं, उन लोगों से ही हमेशा सलाह लेनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि पेट का जो दर्द है ना, उसको ठीक करने के लिए वकील के पास अगर जाएंगे ना तो ठीक नहीं कर पाएगा, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो ही ठीक कर पाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या कोई भी बिजनेस में आप जब भी जाते हो, जिस धंधे में जाते हो, उस धंधे के अंदर जो लोग टॉप पे बैठे हैं, उन लोगों से ही हमेशा सलाह लेनी चाहिए। जिस फील्ड का मास्टर बनना है ना, उस फील्ड के अंदर हमेशा आपको रहना पड़ेगा, वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करके रखना पड़ेगा आपको, वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वैसे लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, वैसे लोगों से आपको लंबे टाइम तक जुड़े रहना पड़ेगा जब तक आप सफल ना हो जाओ। तो माय डिफेंस, सलाह दो टाइप की हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपके ऊपर है कि आप किन लोगों से सलाह लेते हैं। मेरा एक संदेश था आपको कि सलाह अच्छे लोगों से ले हमेशा, जो पॉजिटिव है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, है ना, जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, किलर है, पागलपन है, वो सब चीजें हैं, उन लोगों से सलाह लें। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर से सलाह लें, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर से सलाह लें, इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर से सलाह लें, एडवोकेट बनना चाहते हैं तो वकील से सलाह लें, परचुनी के काम करना चाहते हैं तो परचुनी वाले से सलाह लें, खेती करना चाहते हैं तो खेती वालों से सलाह लें। अगर आप किसी अदर से सलाह लेंगे तो वो सलाह कभी सही तरीके से नहीं दे सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।